फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल इंपॉर्टेंट क्लासेस। दोस्तों, मैं आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल इंपॉर्टेंट क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की वैकेंसी फिर से आ गई है, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है 1 जुलाई से 15 जुलाई। ओके फ्रेंड्स, 1 जुलाई को चालू होगा और 15 जुलाई को बंद हो जाएगा। इसके बीच में आप लोगों को फॉर्म फिलअप कर देना है और इसका एग्जामिनेशन डेट है 21 सितंबर से 24 सितंबर के बीच, यानी 21 सितंबर और 24 सितंबर के बीच इसका रिटर्न एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो दोस्तों, फॉर्म में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। अब इसके डेट ऑफ बर्थ के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर साल चेंज होता रहता है। तो दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1999 और 1 जुलाई 2003 के बीच जिसका भी डेट ऑफ बर्थ हो, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। और इसका अपर एज लिमिट 21 साल दिया है। 21 साल आप लोगों का तब काउंट होगा जब फॉर्म फिलअप करते टाइम आप लोगों का एज मैक्सिमम 20 साल हो। और ये सब प्रक्रिया पूरा होते होते में इनरोलमेंट के टाइम, यानी ट्रेनिंग के टाइम जब बुलाया जाएगा उस टाइम तक उसका 21 साल हो जाएगा। तो इसलिए अपर एज लिमिट 21 साल दिया है। उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रुप एक्स के लिए, एक्सेप्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड, यानी है ग्रुप एक्स के लिए आप लोगों का 10+2 जरूरी है, 50% मार्क्स इन एग्रीगेट टोटल 50% और इंग्लिश में 50% चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा अगर वो 10th के बाद आप 10+2 नहीं किए हो तो 3 वर्ष कोई डिप्लोमा किए हैं तब भी आप ग्रुप एक्स का फॉर्म, केवल ग्रुप एक्स का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ग्रुप वाई की बात करते हैं, ग्रुप वाई के लिए आप लोगों को सेम चाहिए 10+2 और 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और 50% मार्क्स इन इंग्लिश इज़ रिक्वायर्ड मिनिमम। उसके अलावा 2 ईयर्स वोकेशनल कोर्स अगर आप लोग किया हो तो वो भी चलेगा। उसके अलावा ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड 10+2 इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इसमें भी 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और 50% मार्क्स इन इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों का ये हो गया। उसके अलावा आप लोग कुछ ध्यान रखने वाली बातें ये है, नोट वन है कि ग्रुप एक्स का फॉर्म जो फिलअप कर सकता है वो ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दोनों को फॉर्म फिलअप कर सकता है, या के ये वही कर सकता है जो 10+2 में मैथ फिजिक्स और इंग्लिश के साथ किया है। डिप्लोमा होल्डर्स कैन नॉट अप्लाई फॉर बोथ, हुई इज एलिजिबल फॉर ओनली ग्रुप एक्स टेट्स। और इसके अलावा दोस्तों, आप लोग फेज वन जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, फेज वन पहले जैसा होता था वैसे ही, फेज टू भी सेम वैसा ही है। उसके अलावा फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, फिजिकल फिटनेस टेस्ट आप लोगों का पहले जैसा ही है, इसमें 1.6 किलोमीटर रनिंग है 6.5 मिनट में और 10 पुशअप 10 सीटअप और 10 उठक बैठक कराया जाएगा रनिंग के जस्ट बाद, जबकि आप लोग थके रहेंगे उसी टाइम आप लोगों को कराया जाएगा। ये कैपेबिलिटी आप लोगों को देखने के लिए कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं, फौज में सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं। उसके अलावा आप लोगों का अगर 10+2 में आप लोगों का 49.99% मार्क्स है तो भी आप लोग ये फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप लोगों का टोटल 50% एंड एबव रिक्वायर्ड है। और मेडिकल कैटेगरी मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स में देख लेते हैं, आप लोगों का मिनिमम हाइट 152.5 सेंटीमीटर, यानी 152.5 सेंटीमीटर चाहिए। और आप लोगों का जो चेस्ट एक्सपेंशन है, चेस्ट आप लोगों का जितना भी हो, आप लोग जब फुलाने को बोला जाएगा तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर आप लोगों को चेस्ट फुलाना है। आप लोगों का वेट एज पर हाइट और एज के अनुसार है, वेट होना चाहिए लेकिन मिनिमम हाइट 55 किलोग्राम होना चाहिए। उसके अलावा कोई कॉर्नर सर्जरी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों का डेंटल पॉइंट 14 डेंटल पॉइंट मतलब दोस्तों 28 दांत, मिनिमम 28 दांत आप लोगों को सही कंडीशन में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स है जो कि ज़रूरी है। उसके अलावा दोस्तों, आओ पे एंड अलाउंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ट्रेनिंग टाइम 14,600 स्टाइफंड पर मंथ दिया जाएगा। उसके बाद जब आप लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें बताया गया है 33,100, इसमें अलाउंस कोई ऐड नहीं किया गया है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जब अलाउंस ऐड हो जाएगा तो ग्रुप एक्स का सैलरी, ग्रुप एक्स का 40,000 सैलरी हो जाएगा और ग्रुप वाई का
34,000 से अधिक, यानी दोनों का इससे अधिक, जितना मैं बता रहा हूँ इससे अधिक ही सैलरी बनेगी। तो दोस्तों ये सैलरी पाने के लिए आप लोगों को फेज वन फेज टू और अडाप्टेबिलिटी टेस्ट 1-2 सभी टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट सभी पास करना चाहिए, पास करना होगा तभी आप लोग ये सैलरी पा सकोगे और एयरफोर्स में इंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, अगर कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। और दोस्तों सिलेबस का और सभी टेस्ट का अलग अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा, तो दोस्तों मेरे चैनल को कर देना ताकि मेरे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों को पता चल जाए। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।